हाय फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम उन सभी चीज़ों को जानेंगे जिससे गर्मी में पैरट मर जाते हैं। ऐसे बहुत से नए जो पेट्स लवर होते हैं, जो नया नया पैरट बेबी पैरट ले जाते हैं, उनके पैरट अक्सर गर्मी मर जाते हैं। तो आज हम उन सभी टॉपिकों को कवर करेंगे जिससे कि गर्मी में पैरट ना मरे। तो दोस्तों, गर्मी में पैरट दो वजह से मरते हैं, मुख्यतः दो वजह से ही मरते हैं। एक कि उन्हें अच्छी डाइट न दी जाए और वह डाइट से उन्हें अलग अलग डाइट दी जाए जिससे वह तोते अधिक गर्म की वजह से उनकी लूज मोशन हो जाता है, उससे मरते हैं। और दूसरा, उन्हें पानी की वजह से, गर्मी में उन्हें पानी की कमी हो जाती है, उससे मर जाते हैं। तो आज हम उन सभी बातों को जानेंगे जिससे कि पैरट्स गर्मी में ना मरे। तो दोस्तों, पहली बात, यदि आपको पैरट को जिलाया है तो उसे आप विशेष कर पानी पर विशेष ध्यान दीजिए। उन्हें अगर गर्मी ज़्यादा है तो आप उन्हें कम से कम 5 से 6 बार ताज़ा पानी को पिला दें। ताज़ा पानी अगर उन्हें पिलाएंगे तो उन्हें डिहाइड्रेशन नहीं होगा, जिससे पैरट नहीं मरेंगे। और उन्हें अगर पैरट सेल्फ हीट पर है और वह पानी नहीं पी रहा है तो उसे चम्मच से 2-3 बार पिलाएंगे, फिर वो अपने धीमे धीमे पीने लगेगा। पैरट के केज में हमेशा पानी होना चाहिए। यदि एक बार उन्हें भोजन कम मिलेगा चलेगा, लेकिन अगर पानी नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे। आप देख रहे हैं कि ये पैरट कितने हेल्दी हैं और इनके फेदर्स कितने अच्छे हैं। तो इसके मुख्य यही चीज़ें फॉलो की गई हैं जिससे कि इनके फेदर्स और ये इतने अच्छे हैं, इनके फेदर्स में काफ़ी लाइट है। दोस्तों, इन्हें हम पानी और डाइट्स जो बताने जा रहे हैं वो डाइट्स देते हैं जिससे बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करते हैं। और फ्रेंड्स, ये काफ़ी वज़न है, हाथ पे लेने पर पता चलता है कि काफ़ी वज़न है। इनकी जो वेट है वो काफ़ी है जिससे ये स्वस्थ है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं, दोस्तों यदि आपने भी पैरट को जिलाया है तो उन्हें गर्मी में इन चीज़ों को अवश्य दें। सुबह सुबह के समय इन्हें चना दें, भीगा हुआ चना। एक पैरट के लिए कम से कम 20 दाने, एक पैरट अगर आपका है तो उन्हें 20 दाने चना दे दें सुबह के टाइम दे देंगे चना, उसके बाद खा लेंगे। उसके बाद 10 बजे के बाद खरबूजा, जो लाल वाला होता है खरबूजा, उसे खरबूजा काट कर एक टुकड़ा दे दें, उसमें जो सीड्स होती है उसे उसी प्रकार रहने दें, खरबूजा डाल दें, यह उसे खा लेगा। खरबूजा दे सकते हैं। और दोस्तों, आप इन्हें सीजनी फल भी दे सकते हैं, जैसे कि आम की समय चल रही है इस समय, तो आप आम भी इन्हें दे सकते हैं। पका हुआ आम को स्लाइट काट कर इन्हें दे दें, अगर एक पैरेट है तो एक स्लाइट बहुत है, खा लेंगे। तो आम भी दे सकते हैं। एक गर्मी में आप देंगे तो आपको पैरेट अच्छा रहेगा, उनकी डिहाइड्रेशन नहीं होगा, ठंडा रहेगा। फल और फ्रूट जो हुई होती हैं सब्जियां, वो ठंडी होती हैं। खीरा भी दे सकते हैं आप, खीरा दे देंगे तो खीरा खाकर काफ़ी अच्छा रहेंगे, क्योंकि उन्हें वो ठंडा होता है और पानी भी उसमें काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, जिससे डिहाइड्रेशन नहीं होगा। खीरा दे सकते हैं। ककड़ी भी दे सकते हैं, ककड़ी देंगे ये भी इनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। करेला दे सकते हैं, करेला आप रोज़ न दें, एक दिन कर गैप कर दे सकते हैं। और इस जितनी भी फल और सब्जियाँ हम बता रहे हैं, आप उन्हें रोज़ ना देकर एक दिन एक एक सब्जियां और फल को देंगे तो आपका पैरट काफ़ी अच्छा रहेगा। और सीजनी फल में अगर जामुन के समय आ रहे हैं तो सबके घर जामुन आती ही है, तो जामुन भी दे सकते हैं उन्हें, शरीफा दे सकते हैं। यदि आपके घर फल नहीं आ रहा है उतना, तो आपके घर सब्जियां तो आती होंगी, आप उन्हें लौकी दे सकते हैं। लौकी जो होती है उसे आप धोकर दे सकते हैं। और पालक भी दे सकते हैं, पालक, धनिया, पुदीना, ये सब आप उन्हें दे सकते हैं, ये डाइट्स के अलावा देंगे। और इन्हें अंजीर जो होती है वो भी दे सकते हैं, अगर आपके घर सब्जी आ रही है, नेनुआ भी इन्हें खिला सकते हैं। ये सब इन्हें देंगे तो ये काफ़ी अच्छा रहेंगे। सब्जियां और फल इन्हें गर्मी में काफ़ी पसंद होता है। और दोस्तों, इन्हें पपीता भी आप दे सकते हैं, पपीता देंगे तो अच्छा रहेगा, पपीता खाएंगे तो इनका पेट भी सफा रहेगा। अमरूद देंगे, अमरूद इनका सबसे फेवरेट है, मिर्च के बाद इन्हें अमरूद ही दें, अमरूद देंगे तो ये काफ़ी अच्छा से उसे खाते हैं। नाशपाती इनकी काफ़ी, नाशपाती को काफ़ी पौष्टिक फल माना जाता है, नाशपाती भी इन्हें दे सकते हैं आप, अच्छे से खाएंगे और ये ठंडे रहेंगे। और अनार भी दे सकते हैं इन्हें, मटर दे सकते हैं, मक्का दे सकते हैं, स्ट्रॉबेरी काफ़ी महंगी फल है, लेकिन अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप इसे दे सकते हैं। शकरकंद जिसे गन्ना बोलते हैं उसे भी आप दे सकते हैं, गन्ना भी इन्हें काफ़ी अच्छा पसंद होता है, तो गन्ना भी दे सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इन्हें देख रहे हैं कि अगर गर्मी में इन सभी चीज़ों को आप इन्हें खिलाते हैं तो इनके चांसेस कम होते हैं कि ये मरे। और दोस्तों, अगर आप इन्हें गर्म पानी, जैसे पानी अगर इनके केज में डाल दिए और पानी उसी में रहने ही दिए, 2-3 एक ही बार डाले शाम तक रहने दिए, तो वो पानी गर्म हो जाएगा जिससे वह मर सकते हैं। दोस्तों, ये देख रहे हैं प्लम हेड के पैरेट के बच्चे हैं, जिसकी वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में आपको लोगों के साथ बात करूँगा। ये प्लम हेड के पैरेट के बेबी हैं, जो कि 4 बेबी हैं और इसकी फीमेल भी मेरे पास है, तो वो इसकी वीडियो में अगले वीडियो में बात करूंगा। तो अगले वीडियो हम पैरेट को कैसे टॉकिंग पिलाएं, उन चीज़ों पर लाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप उन्हें पैरेट्स को पानी सही रेगुलर टाइम पे दे रहे हैं तो आपका पैरेट कभी नहीं मरेगा, वह सही रहेगा।
और फिर इन सभी बातों के बाद भी यदि आप बर्ड लवर हैं तभी कभी पैरेट्स को या किसी भी बर्ड को जलाइए, नहीं तो मत जलाइए। और अगर यदि आप इनकी केयर नहीं कर सकते, इन्हें अच्छी डाइट नहीं दे सकते, इनका समय समय पे इनकी देखभाल नहीं कर सकते हैं, इनको समय नहीं दे सकते, तो आप इनको मत जिलाइए, ये गलत बात है। इन्हें अगर आप जिलाए हैं तो इनकी समय से केयर करिए और इनकी समय से डाइट दीजिए। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो इस चैनल पर हम बर्ड से रिलेटेड सभी वीडियो डालते हैं। पैरेट को टॉकिंग पर लाने वाली अगली वीडियो होगी। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।